डिवीजन ब्रायोफाइट को हम पढ़े थे और ब्रायोफाइट के अंदर हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया था, उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को देख लिया था और उसकी लैंड एडाप्टेशन की हमने बात की थी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को हम थ्री डिफरेंट सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कहलाती है सब डिविजन हेपेटिकोप्सिडा, सेकेंड है हमारे पास ब्रायोप्सिडा और थर्ड है हमारे पास एंथोसिरोप्सिडा। अगर हम इनके कॉमन नेम देखें तो हेपेटिकोप्सिडा को हम लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं, लिवरवॉर्ट्स। इसी तरह से ब्रायोप्सिडा को हम मॉसेस भी कहते हैं और एंथोसिरोप्सिडा को हम हॉर्नवॉर्ट्स भी कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है ब्रायोफाइट्स की, यानी कि ब्रायोफाइटा जो है वो डिवीजन है और हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा जो है ये सब डिवीजन्स हैं। अब आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो हेपेटिकोप्सिडा से स्टार्ट करते हैं। हेपेटिकोप्सिडा के बारे में हमने आपको बताया कि इनको हम लिवरवॉर्ट्स भी कहते हैं और ये ब्रायोफाइट्स की सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, सिंपलेस्ट। और तकरीबन 900 स्पीशीज जो हैं वो नोन हैं हेपेटिकोप्सिडा की। हमने तो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ब्रायोफाइट्स के, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हेपेटिकोप्सिडा के हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस हैं इनमें और उन डिफरेंसेस को हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम इसका हैबिटेट देख लेते हैं। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स के हैबिटेट को देखा था और हमने उसमें ये पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मॉइस्ट एरियाज़ में होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो हेपेटिकोप्सिडा है ये भी मॉइस्ट जगह पे आपको मिलेगा, मॉइस्ट रॉक्स पे हो सकता है या वेट सॉइल पे, गीली मिट्टी जो है, या फिर पानी के करीब कहीं पे भी, ठीक है, नियर वाटर। और इससे इसको फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा यह होता है कि इसके जो चांसेस हैं ड्राइंग आउट के, यानी कि खुश्क हो जाने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसको मॉइस्चर अवेलेबल होता है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास मार्केंशिया आ जाता है या पोरेला आ जाता है। इस इमेज में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मार्केंशिया शो हुआ है, ये वाला, ये क्या है मार्केंशिया, और यहाँ नीचे आपको पोरेला शो किया हुआ है। ये पोरेला का जो प्लांट है वो इस तरह से होता है। इसकी प्लांट बॉडी को हम डिटेल में देख लेते हैं, प्लांट बॉडी या आप कह लें कि स्ट्रक्चर ऑफ हेपेटिकोप्सिडा। तो जब हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ गेमेटोफाइट, यानी प्लांट का जो ज़्यादा हिस्सा है वो गेमेटोफाइट पर मुश्तमिल होता है। और गेमेटोफाइट में भी स्पेशली थैलॉइड हम इसे कहते हैं, जो कि फ्लैट होता है। यहाँ पे अगर आप मार्केंशिया की एग्जांपल में भी देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फ्लैट बॉडी है इसकी। कुछ केसेस में ये रिबन लाइक भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैट और रिबन लाइक, ये दो तरह की वेरिएशन जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। इसी तरह से एक और वेरिएशन जो इसकी प्लांट बॉडी में है वो ये है कि या तो गेमेटोफाइट जो है वो राइजोइड्स के साथ अटैच्ड हो। फॉर एग्जांपल मार्केंशिया में अगर आप देखें यहाँ पे तो राइजोइड्स हैं, यहाँ पे नीचे आपको सॉइल नज़र आ रही है, ठीक है, या ये ट्री ट्रंक या रॉक हो सकती है, ठीक है। इसके ऊपर राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि फ्लैट सरफेस है गेमेटोफाइट की। जबकि अगर आप पोरेला में देखें तो पोरेला में आपको एक अपराइट प्लांट नज़र आ रहा है और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो आपको कुछ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको रेड से हाईलाइट करें तो ये हमारे पास एक स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके साइड्स पे यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस बनी हुई हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें एक फॉल्स स्टेम और फॉल्स लीव्स का जो है वो आइडिया दे रहे हैं। तो जहाँ हम बॉडी की बात कर रहे हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि
हेपेटिकॉप्सिडा की जो बॉडीज़ हैं दे कैन बी इधर अटैच्ड विद राइजॉइड्स और दे कैन ग्रो अपराइट. और जब ये अपराइट होता है तो हमने कहा कि ये लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं फॉल्स स्टेम या फॉल्स लीव्स. तो ये हमने देख लिया इसकी प्लांट बॉडी. इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन तो जिस तरह से हमने जनरेशंस को डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स में, इसी तरह से हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर भी दो जनरेशंस, एक स्पोरोफाइट और एक गेमेटोफाइट, ये दोनों जनरेशंस प्रेजेंट होती हैं. और स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो डिपेंड करती है गेमेटोफाइट जनरेशन के ऊपर फॉर इट्स नरिशमेंट एंड प्रोडक्शन. इसके अलावा अगर इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो थैलस के ऊपर पाए जाते हैं जहाँ से ब्रांचेस स्टार्ट हो रही होती हैं. और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ब्रांचेस के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल मार्केंशिया की एग्जांपल देख लें आप लोग, इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स के साथ हमारे पास ये गेमेटोफाइट प्लांट है और गेमेटोफाइट में थैलस के साथ आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच है. ठीक है, ये ब्रांच कहलाती है आर्चिगोनियोफोर. और अगर मेल प्लांट है, मेल ब्रांच है तो क्या कहलाएगी, एंथ्रीडियोफोर. तो समटाइम्स इस तरह से होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इन ब्रांचेस के ऊपर पाए जाते हैं. और जब इस तरह से होगा तो हम देखते हैं कि जो स्पेशल ब्रांचेस हैं उनका नाम होता है, अगर फीमेल है तो हम उसे कहते हैं आर्चिगोनियोफोर और अगर मेल है तो उसे हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर. तो ये हमने देख लिए सेक्स ऑर्गन्स. इसके बाद अगर हम ऑल्टरनेशन और जनरेशन की बात करें तो जिस तरह से ब्रायोफाइट्स की हमने ऑल्टरनेशन और जनरेशन पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही ऑल्टरनेशन और जनरेशन जो है वो हेपेटिकॉप्सिडा में भी प्रेजेंट है. सबसे पहले हमारे पास प्लांट बॉडी या गेमेटोफाइट और इस पर डेवलप होते हैं दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया. अब आर्चिगोनिया में प्रोड्यूस होते हैं एग्स और एंथ्रीडिया में प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स. इनके फ्यूजन से हमारे पास एक जायगोट बनता है और जायगोट डेवलप होकर बनाता है स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट से हमारे पास बनते हैं स्पोरोसाइट्स और स्पोरोसाइट्स में मियोसिस के थ्रू बनते हैं स्पोर्स. यही स्पोर्स जर्मिनेट करके बनाते हैं गेमेटोफाइट. इस इमेज में आपको लिवरवॉर्ट्स का लाइफ साइकिल दिखाया गया है. यहाँ पे आप इसके प्लांट बॉडी को देख सकते हैं, राइजोइड्स है हमारे पास और इसके ऊपर यहाँ पे आपको थैलस दिखाया गया है और ये है फीमेल प्लांट बॉडी और ये हिस्सा आपको बताया गया है, ये है आर्चिगोनिया. ठीक है, आर्चिगोनिया के हेड को आपको मज़ीद जूम करके दिखाया गया है और इसके अंदर प्रोड्यूस होता है एग. इसी तरह से अगर आप मेल प्लांट को देखें तो यहाँ पे आपको एंथ्रीडिया दिखाया गया है, एंथ्रीडिया हेड को आपको जूम करके दिखाया गया है. यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये मोटाइल होते हैं यानी कि मूव करते हैं. यहाँ से ये मूव करके एग की साइड पे आते हैं और उसको फर्टिलाइज कर देते हैं. जब एग फर्टिलाइज हो चुकता है तो यहीं पर आर्चिगोनिया के अंदर ही जायगोट बना देते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक एग था और ये रेड कलर से आपको स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं. ये स्पर्म्स जो है वो एग तक आए और ये एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया और आपको जायगोट और फिर उसके बाद एम्ब्रियो यहाँ दिखाया गया है. ठीक है, और ये एम्ब्रियो क्या करता है, ये एम्ब्रियो फिर यहाँ से ग्रो करता है. ठीक है, डेवलप होता है और डेवलप होकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आर्चिगोनियम की जो शेप है वो भी चेंज होती जा रही है. एम्ब्रियो डेवलप होकर एक स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो बना रहा है. ठीक है, स्पोरोफाइट बन गया और स्पोरोफाइट के अंदर से फिर हम जानते हैं कि स्पोर्स बनते हैं. तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि किस तरह से स्पोर्स बन रहे हैं येलो येलो कलर से. और ये जो एक स्पोर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पोर है, ये बिल्कुल सीड की तरह होता है, बीज की तरह, और ये जर्मिनेट करता है. अब ये स्पोर उड़ के कहीं पर भी जाएगा और वहाँ पर इसके अंदर से एक नया पौधा निकलेगा. तो ये था लाइफ साइकिल ऑफ लिवरवॉर्ट्स. एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा. आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स को देखा और हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स को हम थ्री डिफरेंट सब डिविजन्स में क्लासिफाई करते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा. फिर हमने हेपेटिकॉप्सिडा को आज के लेक्चर में देखा और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, हैबिटेट देखा हमने उसका, प्लांट बॉडी को देखा, इसकी एग्जाम्पल्स देखी और रिप्रोडक्शन को देखा. और उसके बाद फिर हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात की जो कि इसके अंदर जनरल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट है जो नॉर्मली ब्रायोफाइट्स के अंदर होती है. और उसके बाद फिर हमने लाइफ साइकिल देख लिया लिवरवॉर्ट्स का. यहाँ पर आपको मार्केंशिया की एग्जाम्पल दिखाई गई है और इसके अंदर हमने डिटेल में देख लिया कि किस तरह से गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशन एक दूसरे के साथ ऑल्टर कर रहे हैं.
और इसी के साथ साथ हमने कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की, हमने राइजोइड्स की बात की जो कि प्लांट को एंकर करने में और एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, इसी तरह से हमने थैलस की बात की और दो स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर की हमने बात की जो कि ब्रांचेज हैं गेमिटोफाइट के ऊपर जनरेट होती हैं और इनके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और ब्रायोप्सिडा और एंथोसिरोप्सिडा को डिटेल में देखेंगे।